अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैब अहमद है। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक 9th और 10th दोनों की टेंटेटिव डेट शीट का अनाउंस कर दिया है और डेट्स का भी अनाउंस कर दिया है कि कब से वो एग्ज़ाम लेने में इंटरेस्टेड है। तो आपको इस डेट के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। मजीद ये कि पेपर चूँकि नज़दीक है, इस दफ़ा जो बोर्ड है वो जल्दी पेपर लेगा, तो उसके मुतालिक बच्चों को एक बड़ी क्यूरी होती है कि जो गैस पेपर कि हमें किस तरह गैस मिलेंगे, तो उसके मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो लिहाजा पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको एक कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। मजीद ये कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम तरह एजुकेशन के मुतालिक इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके। तो लाहौर बोर्ड ने अपने हालिया एक नोटिस के अंदर एडमिशन जो कि चल रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के, उसने एक डेट अनाउंस की है, एक टेंटेटिव डेट दी है। उसके तहत 1 अप्रैल से क्या नाम 2023 से जो लाहौर बोर्ड के 10th के इम्तिहान है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि लाहौर बोर्ड 1 अप्रैल से अपने 10th के इम्तिहान लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये एक टेंटेटिव है, लेकिन इसके अराउंड अबाउट ही आपकी डेट आएगी। 1 अप्रैल है तो यकीन 2-3-4 अप्रैल तक आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि अब आपके पास सिर्फ जस्ट 2 मंथ्स है अपने पेपर की एग्जामिनेशन के लिए। मजीद ये कि केपी के बोर्ड ने एक 9th क्लास की भी डेट शीट अनाउंस की है, डेट अनाउंस की है जो कि उसके मुतालिक वो 28 अप्रैल के आ रही है। तो लाहौर बोर्ड भी इसके अराउंड अबाउट ही 9th की डेट भी देगा। और वैसे भी जब 10th के इम्तहान शुरू होते हैं तो उसके तकरीबन को 2 हफ्ते बाद के नाम 9th के इम्तहान भी शुरू हो जाएंगे। अगर लाहौर बोर्ड के 1 अप्रैल से इम्तहान शुरू होते हैं 10th के, तो आपके 9th क्लास के जो इम्तहान है वो 15 या 16 अप्रैल से हो जाएंगे। मजीद बताइए कि जो आप लोग के गैस है 9th क्लास के और 10th क्लास के जो पिछले पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए जिस क्यूरी को सामने रखते हुए बनाए जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग के साथ लाजमी शेयर किए जाएंगे। मजीद ये आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो तमाम तरह गैस और तमाम तरह अहम सवाल जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है वो आपके साथ शेयर किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम।